तो यार दोस्तों ये देखो, ये पूरा 1 लीटर पेट्रोल है, यहाँ तक 1 लीटर की बोतल है पूरी। अभी हम इसमें ये डाल देते हैं। नहीं हो रहे यार अभी तक। और नसीब देखो यार अपना। तो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सब अच्छे ही होंगे हमारी तरह। तो यार बात ऐसी है कि आज हम करने वाले हैं, आज का मतलब हम कल करने वाले हैं हमारे रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का माइलेज टेस्ट। तो हम चेक करेंगे कि 1 लीटर में हमारी बाइक कितना एवरेज देती है। अभी शाम के बज रहे 6, अभी जाने वाला था मैं, लेकिन फिर यार सोचा कि अभी जाऊंगा ना तो रात हो जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा ब्लॉग बनाने का भी, क्योंकि सब अंधेरा हो चुका होगा। तो सोचा कि अभी मतलब पेट्रोल तो वैसे बहुत ख़त्म होने को आया है, 2-4 किलोमीटर चल जाएगी फिर ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल। तो सोचा कि फिर कल सुबह बनाते, सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी होती है क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है, तो जाते जाते थोड़ा जल्दी निकलेंगे और सुबह ब्लॉग बनाते बनाते ना कभी कभी टाइम हो जाता है तो फिर ऑफिस में लेट हो जाता हूँ जाने के लिए। इसलिए सोचा कि आज ही आपसे बोल दूँ कि कल हम करने वाले माइलेज टेस्ट। तो यार ठीक है, हम मिलते हैं कल बाइक के ऊपर। The next day. यार दोस्तों हम आ चुके हैं बाइक पर। जैसा कि आपको पता है आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लासिक का माइलेज टेस्ट। यार दोस्तों बाइक अभी थोड़ी थोड़ी बंद पड़ रही है, इसका मतलब पेट्रोल खत्म हो रहा है। यार दोस्तों बाइक का पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन नहीं हो रही है। चलिए अभी इसमें डालते हैं जो पेट्रोल हमने बैग में रखा था 1 लीटर, तो वो भी हम इसमें डाल देते हैं और फिर चला के देखते हैं। तो यार दोस्तों ये देखो, ये पूरा 1 लीटर पेट्रोल है, यहाँ तक 1 लीटर की बॉटल है पूरी। अभी हम इसमें ये डाल देते हैं। पूरी खाली हो चुकी है, तो बंद। मैं बैग में रख लेते इसको खाली बोतल। चलो और एक चीज, किलोमीटर देख लीजिए। अरे इथे नाशिकलाच राहतो मी, आता तर जॉबला चाललोय। नाही टाइम लॅप्स नाही, आज एवरेज टेस्ट करायचं होतं तर तोच व्हिडिओ चालू होता। चलो सबस्क्राइब कर लो। क्या नाम आपका? मनोज। आपका? श्रीराज। चिराग। तुझं नाव? श्रीयोग। चलो थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो। यार देखो दोस्तों उसी बहाने सब्सक्राइबर भी मिल गए कुछ। तो अभी किलोमीटर से 1677.4। इस हिसाब से बाइक को चलना चाहिए 40 किलोमीटर के आसपास, 38 या 40। तो ठीक है थोड़ा अभी चला के देख लेते।
यार लेकिन एक बात है, पेट्रोल डालने के बाद ना एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगा यार बाइक को ऑन होने में, या मुझे ज़्यादा किक मारनी पड़ी हो या किक तो मारी नहीं यार, सेल्फ स्टार्ट ही किया था तो फर्स्ट सेल्फ में ही स्टार्ट हो गई यार भाई। देखो दोस्तों, मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप ये आपके बाइक के साथ ना करें। क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर आते हैं, अगर पेट्रोल पूरा खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर असर पड़ सकता है फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर, तो आप ये ना आजमाएं, बस यही रिकमेंडेशन होगा। बाकी यार आपकी मर्जी, आप कर सकते हो बेटा। Few moments later. तो यार देखो दोस्तों, सुबह जब हमने पेट्रोल डाला फिर दोस्त लोग मिल गए, तो यार दोस्तों आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि आपसे ठीक से बात नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में था, ऑफिस भी पहुंचना था, उसके लिए थोड़ा सॉरी, बस नाम पूछ लिया आपके और निकल गया। क्योंकि पेट्रोल डाल मैं जब पेट्रोल डालने के लिए रुका तो वो भाई लोग आए थे, ब्लॉगर है यार, बस ऐसे ही जानकारी ले रहे थे, तो भाई लोग ने सस्ता भी किया, तो थैंक यू दोस्तों। आई थिंक यार बाइक 40 तक पहुंच जाएगी यार, 40 तक पहुंच जाएगी ऐसा मुझे लगता है, फिर भी एग्जैक्ट आपको बाद में पता चलेगा। तो यार दोस्तों भाई का भी भाई पेट्रोल तो खत्म हो रहा है अभी, चल 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 चल, नहीं भैया अब नहीं चलेगी, नहीं। तो यार देखो भाई अपना देखो, नहीं हो रहा यार अभी तक, और नसीब देखो यार अपना। तो यार इसकी एक इमेज में पहले ले लेता हूँ कितना आया है, ओके। तो यार दोस्तों अभी अपनी बाइक चली है 1718.4 और पहले क्या था 1677 माइनस 1677.3। तो यार दोस्तों देखो बाइक ने हमें एवरेज दिया 41.1। ये एक वीडियो बन रहा है पेट्रोल पंप पे वीडियो बन रहा है और हमारी बाइक ने हमें दिया है 41.1 का माइलेज। यार वर्थ है, 41.1 350cc के लिए बहुत ही अच्छा माइलेज है। तो यार दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देख लिए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप सब्सक्राइब करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलती है, बस आते हो आप देख के चले जाते हो तो यार अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा और हमें भी लगेगा नहीं यार हमारी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो। और हम अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, बाल थोड़े खराब हो रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं, अभी घर जाना है, तो चलिए बाय बाय, सी यू। यार दोस्तों एक बात मैं बताना भूल गया आपको, हमने इसे चलाया सिटी में और थोड़ा सा हाईवे पर, और दूसरी बात यह है कि हमारा एग्जॉस्ट भी चेंज है, ये हमने ऑलरेडी एग्जॉस्ट चेंज करा के रखा है बाइक का, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हाईवे पे जाओगे तो यार इतना मेरे को लगता है मिलना चाहिए, 41-42 तो मिलना ही चाहिए। चलिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे ये लाइन में पहले ही बोल चुका हूँ लेकिन चलिए बाय बाय, कोई बात नहीं।